So hey, what's up guys, it's your boy Xanax Gaming back with another video. Guys, आप देख सकते हैं हमारी 7th PUBG Mobile की वीडियो है हमारे चैनल पे, जो मैं जान दूंगा अभी लेट वीडियो आ रही है यार। उसमें पता है अभी एक बहुत ही बड़ा इशू हो गया जो कि मैं आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी वीडियो एक रीज़न ये है तो आपको पता ही है कि मेरे स्कूल्स हैं पर ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे वो, बस अभी छुट्टियाँ लगने ही वाली है मेरी 18 में से। और एक और सबसे बड़ा इशू ये हो गया है, अभी मैंने अपना जो मेरा ये फ़ोन है रेडमी नोट 4 जिस पर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ गाइस, उसका क्या हुआ है ना, मैंने अभी पूरी डिस्प्ले चेंज करवाई है। तो डिस्प्ले चेंज करवाने की वजह से उस पागल आदमी ने पता नहीं कैसी डिस्प्ले चेंज करी मेरी, पता नहीं यार, मतलब मेरी जो स्क्रीन है ना, मैं क्लोसेट यूज़ करता हूँ, वो सही वर्क ही नहीं कर रही है। इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, लाइक मैं उसमें मल्टी फंक्शन करता हूँ ना, जैसे कि अब देखिए मान लीजिए मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बटन दबाता हूँ एक ही बारी में, जिसमें मुझे क्लॉ यूज़ करना पड़ता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा बटन दबाता हूँ तो वो हो नहीं पा रहा है यार, समझ नहीं आ रहा यार हरकत क्या हो रही है उसमें। एक और वो इशू हो गया है, तो अब जो गेम प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं सारे पुराने गेम प्लेयर्स जो डिस्प्ले चेंज होने से पहले के हैं, तो अभी मेरे पे काफ़ी सारे मतलब बचे हुए हैं, मैं वो तो अपलोड कर ही दूंगा, लेकिन मुझे चिंता हो रही है, मान लीजिए अगर जल्दी नहीं ठीक कर पाया तो मेरा यूट्यूब करियर अभी फिर से रुक जाएगा बीच में, पर मैं जल्दी ही करा लूँगा, जैसे छुट्टियाँ लगी हैं वैसे ही करा लूँगा गाइस, चिंता न करिए। पर यार हरकत हो गई यार, उसने गलत किया मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं यार, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू लेट्स गो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हिट द रेड सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन। सो गाइस यहाँ उतरे थे जॉर्ज पॉल जो कि पूरी रैंडम स्क्वाड है, मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ, रैंडम ही खेलना पड़ता था। तो यहाँ एक बंदा लेट उतरा मेरे से, दोनों ही लेट उतरे तो दोनों को मैंने मार दिया, एक को मारा एक भाग गया, लिटरली सही उसकी किस्मत थी, पर वो भी मरेगा अभी आगे जाके देख ही सकते हो। पर यार सही उसको गन मिल गई, उसने सही यूज़ किया गन का, मेरे पास इतने पहले से गन थी तब भी मैं कुछ नहीं ज़्यादा कर पाया, देखिए उसने कितना डैमेज दे दिया मेरे को, और फिर भी मर गए। दोनों सोल क्लान के बंदे थे, मतलब नॉट द रियल सोल, द फेक सोल, इनका कोई अलग ही सोल, फेक सोल है इनका, तो पता नहीं यार। यहाँ मेरे इजी 2 किल्स हो चुके हैं। उसके बाद सामने मुझे एक बंदा देखा, उसको मैंने उसको सीधा हेड दे के यहाँ पे डाउन कर दिया। उसके बाद यहाँ बहुत सारे बंदे थे लिटरली बहुत, और नंबर 4 ने भी सही काम किया। उसके बाद जो मैंने जो नॉक करा था वो भी थोड़ी देर बाद ये देखिए किल हो गया। उसके बाद यहाँ पे मुझे आगे वाले कंटेनर से शूटिंग हो रही थी तो मैं वहाँ देखने लगा, तो यहाँ मैंने UMP का टैप 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 करके बंदे को डाउन ही कर दिया यहाँ पे लिटरली। उसके बाद यहाँ पिंकी चौधरी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं हमारे, उसके बाद मैं यहाँ पे उसको फिनिश करने के लिए बढ़ गया आगे। यार मतलब यहाँ पे ये जो पूरी स्क्वाड है ना, इतना गंदा खेल रही थी लिटरली, पर ये रहे हमारे पिंकी बाबू, ये हमारे यहाँ डाउन हमने ख़त्म कर दिए। उसके बाद मैं यहाँ डाउन हो गया और यहाँ एक बंदा कैंप करके बैठा था, यहाँ उसने मेरे एक टीममेट मार दिया, मैं लिटरली 1 HP था, 3 HP था, अगर ये बंदा एक दो गोली और मार देता मैं लिटरली मरता है यहाँ पे। उसके बाद मैंने उसको यहाँ मेडकिट मार ली भाई, वहाँ मेरी ऑलमोस्ट पूरी स्क्वाड डाउन है ऑलमोस्ट। उसके बाद मेरा वो वाला जो दूसरा बंदा था उसकी कम हेल्थ थी, तो मैं सीधा उसको रिवाइव करने भाग गया, और जो मेरे पास बैठ ले जस्ट बगल में था उसको लगा मैं उसको करूँगा रिवाइव पहले, पर मैंने इसको कर दिया। कोई नहीं यार, रूल है यार, पर ये बहुत सही खेल रहे थे बंदे जो रैंडम थे, सही इन्होंने मुझे, मैं भी नॉक हुआ था भाई बीच में, पर इन्होंने मुझे भी बचा लिया और यहाँ टीम बच गई हमारी। उसके बाद मुझे यहाँ से शूटिंग की आवाज़ आ रही थी तो मैं यहाँ के TP पे लेने लगा, तभी ये बंदा दौड़ा दौड़ा भागता हुआ आ रहा था, मैंने इसको होलो और M4 से मार दिया, अकेला बचा बता ये लास्ट बंदा बचा था पूरे जॉर्ज पॉल में जो कि मैंने यहाँ मार दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ फ्लेयर ड्रॉप मंगा के M249 और AWM ले ली, जिसमें लिटरली मेरे पास AWM के लिए होलोग्राफिक स्कोप था, और लॉल यहाँ पे तभी एक बंदा आ गया बाइक से हमें मारने के लिए, और इसको देखना बिल्कुल स्वैग बॉलीवुड देसी लेवल में, मैंने उसको मारा ऊपर से कूदा और धप खत्म। और ये बंदा पता नहीं क्या अकेले में चौड़ा होके आया था, अकेला बाइक पे धूम मचा ले फील के साथ, सोच रहा था पूरी स्क्वाड पेल देगा यहाँ की, तो यार यहाँ पे ये बंदा भी ख़त्म हो गया। उसके बाद हम जोन क्रॉस करने के लिए यहाँ आए, तभी ये बंदा हम पे शूटिंग कर रहा था, इसको तो मैंने गाड़ी से मारने की सोची, पता नहीं ये गाड़ी से बच कैसे गया। उसके बाद ये डाउन, फिर ये डाउन, और फिर वो आखिरी बेचारा डर के भाग रहा था वो भी डाउन। तो यार यहाँ ये हो गई पूरी स्क्वाड वाइप, जिसमें से मैंने बस, और यहाँ मुझे अच्छे खासे स्कोप्स मिल गए M249 और मतलब 3x M249 पर मैं चला लेता हूँ, और 8x मिल गया AWM के लिए, बस यार और क्या चाहिए, बाकी सब तो है। उसके बाद हम यहाँ पे जा रहे थे तभी हमने देखा, वहाँ देखो
दो दो बंदर चढ़ रखे, लिटरली ये क्या हरकत है यार, क्या चल रहा है तुम्हारा वहाँ पे? दोनों के दोनों ऊपर चढ़े हुए थे, एक को हेडशॉट दे के डाउन कर दिया, दूसरा भाई भाई दूसरा मतलब क्या कर रहे हो भाई, दोनों को हेडशॉट दे के डाउन किया। मैंने कहा यार दो बंदे हैं तो मुश्किल से दो ही बंदे होंगे बचे हुए, या एक, मुझे लगा वहाँ बंदा खड़ा था, मैंने स्कोपिंग करके देख लिया, अब एक या दो बंदे बचे होंगे उनके स्क्वाड के, तो और मेरे पे M2 फोन लाइन भी है, सो आई प्रेफर टू पुश। उसके बाद मैंने सीधा पुश करा, और यहाँ एक्चुअली एक और बंदा है, ये लोग एक्चुअली दो बंदे सामने जो 3-story बिल्डिंग है उसमें एक बंदे से फाइट ले रहे थे, UMP सप्रेस चला रहा था वो। उसके बाद यहाँ पे दोनों ही डाउन हो गए, मुझे ये नहीं पता तीसरा बंदा कहाँ है इनका। एक्चुअली ये दोनों डाउन हो गए थे ना ऊपर, मैंने दोनों को ऊपर ही ऊपर मार दिया, ये देखो एक ये पड़ा, इनका तीसरा पता नहीं क्या है, और ये दोनों सामने फाइट ले रहे थे सरप्राइज वाले से। उसके बाद जो तीसरा शायद इनका बंदा था वो शायद आ चुका है, पुश कर दिया इसने मेरे ऊपर, और यहाँ जो नंबर 3 थे हमारे उसने वो आखिरी बंदे को मार दिया, और फिर जो 3-story में जो सरप्राइज UMP चला रहा था उसने हमारे ऊपर पुश कर दिया, यानी मेरे ऊपर, तो मैं यहाँ कूद गया। और यहाँ यार ये हेडफोन क्यों नहीं यूज़ करते तुम लोग, हेडफोन यूज़ करो यार, हेडफोन ही तो गरीब है, ईयरफोन ही यूज़ कर लो, कम से कम पता तो चल जाएगा कि कौन कहाँ कहाँ कूदा है, मैं कूद भी क्या और ये ऊपर देख रहा है मेरे को, तो ईजी है मर गया। उसके बाद यहाँ सामने शूटिंग हो रही थी, और ये देखो दो बंदे जोन में आ रहे थे, इनके पास भी AWM है, उसके पास भी AWM है, कोई स्नाइपर है वो भी मुझे स्नाइप कर रहा था, और यहाँ मैंने इसको पट से हेडशॉट देके डाउन कर दिया। उसके बाद यहाँ मुझे सप्रेस शॉट पड़े आगे से, उसके दोस्त ने मारे मुझे। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ क्योंकि ये दो ही बंदे दिखे थे मुझे। उसके बाद जो एक बंदा था जो AWM मेरे पे चला रहा था उसको मैंने नॉक करा था, हेडशॉट देके डाउन कर दिया था। उसके बाद ये बंदा पता नहीं यार मैंने मारा और ब्लड भी आया पर उसको कनेक्ट क्यों नहीं हुई, तो यहाँ इसने नॉक कर दिया MK-40। एक्चुअली 3 बंदे थे, जो AWM वाला था वो उसको रिवाइव ही नहीं किया लोग ने, वो मर भी गया बेचारा पूरा। और यहाँ मैंने टैप M249 का स्प्रे मारा जो कि ये लोग बच गए। फिर मैंने सोचा यार आखिरी बंदा तो पुशी मार देते हैं, एक्चुअली ये वो बंदा नहीं था जिसको मैंने डाउन किया था, मैंने जो डाउन किया था वो तो पूरा ख़त्म भी हो गया, इन लोग ने रिवाइव भी नहीं किया, वो जोन के बाहर था इसलिए। उसके बाद ये बंदा अकेला बचा था, वैसे ही बहुत लो था, तो मैंने इस पर सीधा पुश ही कर दिया, मैंने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे सीधा पुश कर दिया, ऐसे कोई पुश ही कर देना चाहिए यार, M249 हो और मतलब लैग ना हो रहा हो, लैग कभी, मैं तो लैग का भी देखता हूँ, लोग तो बस गन का और आर्मर वगैरह का देखते हैं, मैं तो लैग का भी देखता हूँ यार। मैंने यहाँ सीधा पुश मार दिया, उसके बाद हम ब्रिज क्रॉस करके यहाँ पहुँच गए, और एक बंदा वहाँ से M249 चला रहा था, ये देखो लिटरली यार मनु कृति जो भी नाम है यार, ऐसे थोड़ी ना चलाना चाहिए। और इसने पता नहीं कहीं से AWM का शॉट आया और मेरे दोस्त को नॉक कर दिया, और ये रहा गिली सूट वाला अपने मनु कृति को बचाने की कोशिश में एक फटका खा गया, और ये अब इसने भाई बहुत सही IQ यूज़ किया, ये नीचे कूद गया और नीचे की पीछे की साइड से ब्रिज के नीचे से होता हुआ गया, इसने मतलब लिटरली ऐसा काम किया, अब सही यार IQ लेवल हाई था बंदे का। उसके बाद मैंने सोचा यार ये ऐसे ही है और एक शॉट भी खाया AWM का, तो मैं मुझे अब फीलिंग से आ रही थी अभी भी वो वहीं है पर एक्चुअली वो वहाँ था नहीं इसलिए। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने सीधा पुशी मार दिया, उसके बाद यहाँ मैंने व्हीकल उठाया और ये मनु कृति को गीली वाले ने रिवाइव कर दिया था, ये रहे हमारे मनु कृति भाई जो कि फिर से डाउन हो कर दिए मैंने, एक्चुअली इसकी हेल्थ कम थी इसलिए इसको तो इसकी मैंने इजी टायर से इसको डाउन कर दिया, वरना इतनी कम व्हीकल टकराने से डाउन नहीं होता। वो देखिए वो पड़ा है गीली वाला, उसने बहुत ही सही M4 का स्प्रे मारा मेरे को, पर क्या यार, तो यहाँ इनकी स्क्वाड डाउन हो गई, तो यहाँ दोनों के दोनों मैंने व्हीकल से ही मार दिए। उसके बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं लास्ट सर्कल में, देख सकते हैं यहाँ एक और गिली वाला था, इसको मैंने 1 shot डाउन कर दिया, एक्चुअली अभी जोन से निकल के आया था इसलिए सीधा ही डाउन कर दिया मैंने। उसके बाद इसका एक और दोस्त था जो कि जोन से आ रहा था, दो ही बचे थे, और अब लास्ट का आया है, वो देखिए वो आ रहा है जोन में, और इसको सीधा हेड दे के मैंने यहाँ ख़त्म कर दिया। सो देव गो गाइस, देव गो विद अ क्रिस्पी विनर विनर चेन एंड विद ज़ेनिक्स YT विद 18 किल्स यार 18 किल्स है यार, तो 18 लाइक्स का एम रखते हैं हम इस वीडियो पे, तो यार प्लीज़ यार हिट दैट लाइक बटन, अब से यार जितने भी खेलोगे हम उतने किल्स का वो रखेंगे लाइक एम पर, यार बस यार वो इशू ठीक हो जाए जिस इशू के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था मेरा फ़ोन के बारे में, यार बस वो ठीक हो जाए फिर रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, तो यार मॉन्टेज वीडियो, और इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कुछ और पबजी के टॉपिक्स या कुछ और गेमिंग टॉपिक्स भी कवर करूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्टिंग, आई एम गोना मीट यू इन द सेकंड वन।